बाबर आजम ने आज लाजवाब इनिंग्स खेली है। शानदार बल्लेबाजी की है आज बाबर आजम ने। 24 गेंदों का सामना किया और 41 रन की पारी खेली है। 7 चौके भी इस दौरान बाबर आजम ने लगाए। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के चाइनामैन गेंदबाज नूर अहमद ने उन्हें आउट कर दिया। LBW आउट हुए और इसके बाद जो है बाबर आजम की पारी की समाप्ति हुई है। लेकिन जितने देर तक बाबर आजम आज बल्लेबाजी करते रहे, पूरी तरह से उन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन स्पिन गेंदबाजी के सामने बाबर आजम एक बार फिर से चकमा खा गए। और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि बाबर आजम जो है वो लेग स्पिनर को देख कर जो है वो थोड़े से अब घबरा रहे हैं। पहले बहुत अच्छा खेला करते थे, लेकिन अब शायद उनके दिमाग में बैठ गया एक माइंडसेट में कीड़ा काट लेता है ना कि भाई स्पिन है तो मुझे इसको ठीक से खेलना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस समय जो है ना उस चीज़ को, उस डर को जो है बाबर आजम को बाहर निकालने की ज़रूरत है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि आगे आपको कुलदीप यादव को फेस करना है, अफगानिस्तान के राशिद खान को आपको फेस करना है, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपको। क्योंकि अगर आपकी कमजोरी एक्सपोज हो गई ना, तो वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप हो, हर कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। बावजूद इसके मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम का 52 का एवरेज है लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, टेस्ट क्रिकेट का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, वनडे का मैं आपको बता दूंगा और T20 का भी मैं बता दूंगा किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। बहरहाल 24 बॉल 41 रन, बहुत अच्छी।